गाजर का हलवा, राइस, सरसों के साग और गोंद का लड्डू। बबी वो जी, चीतो किधर है? अरे महर वो पेके गई है। महर देखने रही तभी कितना खुश है। वाह मित्ता मामी, आपके गले में हार कितना सुंदर लग रहा है। ओह थैंक यू परम पुत्र जी। है ना परम, मैं भी आपकी नानी को यही बात समझा रही थी। बड़ा बढ़िया हार लग रहा है दादी, इसको बेचेंगे तो लाख दो लाख तो निकल ही जाएंगे। पटूरे पंजी लख दा हार है, इसको बेचने की सोचना भी मत, चुपचाप खाना खा। वो क्यों है जिगर? क्यों है भाभी? भाभी? वो राड़ा भाग के जा बर्फ लेकर आ। कोई नहीं हुए। अब मैं ठीक हुई हूँ पापा, कुछ नहीं हुआ। खा ठीक है, तेरी चीख से कलेजा निकाल दिया था मेरा। जब मैं दर्द से चिपकी हूँ तो उसी जख्म पर नमक डाल कर। मुझे सरबजी जी से जल्द ही बात करनी होगी। हेलो सरबजीत जी, सत श्री अकाल। हाँ जी हाँ जी, एक एक मिनट। महर, सरबजीत जी। अच्छा थैंक यू। हेलो सरबजीत जी। हेलो महर जी, बस अभी भी फ्री हूँ। आप अटारी पहुँच गई? वो बस थोड़ी देर हुई है। अच्छा, आप कुछ बात करना चाहती थी मुझसे, फिर मैंने सोचा कि आपका फोन तो खराब है तो यही फोन कर दे। बोलिए सरबजीत जी, आपने ठीक कहा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं आपके ऑफिस आ जाऊं? क्या बात है भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ वो मिलके बात करते हैं। ओके ठीक है, अब ऑफिस आ जाओ। वीर जी बाबूतर, आप परम और करण को शाम को घर पे छोड़ दोगे? क्यों? कुछ नहीं, वो बस जरूरी काम थी तो निकलना था बस। चल कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है वीर जी, फिर आप छोड़ देना। ओ पुत्र, खाना तो खा के जा। कोई आराम से महर। थैंक यू मम्मी जी, आप सच में वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाते हो। बाय, मिलते हैं रात को पार्टी में। बाय। ठीक है। सरब जी जी कहाँ चली गई? कौन है कौन है कौन है कौन है? सरप्राइज, ये लीजिए आपका नया फोन। आई नो महेश, कल से आप यही सोच रही है ना कि सरब जी जी को अचानक हो क्या गया? ऐसे छुप छुप के धीरे धीरे से साइड में जाके किसे बात कर रहे हैं, है ना? तो वो इस सरप्राइज के लिए परसों ही नया मॉडल लॉन्च हुआ है, सिग्नेचर सीरीज, मेरी प्यारी प्यारी इस सोनी सोनी बॉडी वास्ते। चलो। थैंक यू सरब जी। अच्छा इतने आओ, इधर बैठो छेती छेती। हेलो अनीता, ते हुन दसो सोनियो कि इस जान जैसे चेहरे पर ये शिकन किसने डाल दी? वो शक्ल से जितने शरीफ दिखते हैं, भूतने पहले मेरी जिंदगी ना एक सभी बदल कर रखी है उन्होंने। मेरे जी, सरबजीत जी, पति पत्नी के बीच में हर चीज सांझी होती है ना? बिल्कुल, दोनों एक बराबर होते हैं ना? बेशक। अगर किसी वजह से दोनों के बीच आपसी मन मुटा गया या झगड़ा हो जाए तो क्या पति अपने पत्नी पे हाथ उठा सकता है? हरगिज नहीं महर्षि, पत्नी पे हाथ उठाने की इजाजत ना तो कानून देता है और ना ही रब। पत्नी पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, बुजदिली होती है। उसका पति उसे बहुत मारता है सरबजीत जी, कभी डंडे से तो कभी बेल्ट से, वो राक्षस है, हैवान है वो सरबजीत जी।
वो बहुत दुखी है, टूट चुकी है वो। किसकी बात कर रही हैं? वही औरत जो मुझे उस दिन गुरुद्वारे में मिली थी, आज घर भी आई थी वो। घर पे? महजी मैं ये तो नहीं जानता कि वो औरत कौन है और उसका पति क्यों उस पे हाथ उठाता है, लेकिन सरबजीत जी आप बेशक उसे नहीं जानते, लेकिन उसके पति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन महजी? उस राक्षस, उस जानवर, उस हैवान का नाम है तरकश चंडोला। हाँ सरबजीत जी, मुझे उनकी पत्नी आरती जी ने खुद कहा कि कभी चाकू से हाथ काट देते, कभी बैग से मार मार कर दुई मार कर देते, बहुत मारते, पर आज से नहीं परसों से। सरबजीत जी, आरती जी को हमारी जरूरत है, बहुत मुसीबत पे, उनकी जान को सच में खतरा है, बहुत टूट चुकी है वो। आप अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करिए और तरकश को अरेस्ट करवाइए। मैं जी आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? तरकश जी आरती भाभी पे हाथ, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। सरबजीत जी पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब जब मैं आरती जी से मिली तो सरबजीत जी यही सच है। नहीं महर जी, ये सच नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये बात। तरकश जी को मैं आज से नहीं बरसों से जानता हूँ। उनके डैड ने पूरी लाइफ पूरी ईमानदारी के साथ मेरे डैड और पंजाब दल की सेवा में लगा दी, अब तरकश भी वही कर रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि आप तरकश जी को जानती नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए, कि आपने कभी तरकश जी को किसी से लड़ते झगड़ते, किसी से ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। सरबजीत जी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सरब, वो फिरोजपुर ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया है, कल तक मेल भी आ जाएगा। गुड, ठीक है। अच्छा सर, मैं कह रहा था अगर कुछ काम ना हो तो मैं घर निकलूं। जी दर्पेश। ठीक है जी। ये सब एक दिखावा है सरबजीत जी, एक मुखौटा है, और इस मुखौटे के पीछे छुपा हुआ है एक जानवर, एक दरिंदा। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जी जो बात इम्पॉसिबल है उसको मैं कैसे मान लूं? मतलब मैं झूठ बोलूं? सरबजीत जी, ये इंसान अभी तक सिर्फ अपनी बीवी को पीटता था, लेकिन अब उसने अपनी बेटी को भी मारना शुरू कर दिया। तो बेटा, पापा के आने का टाइम हो गया है, अगर उन्होंने तुम्हें नाचते हुए देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तू एक काम कर, जल्दी से घुंघरू उतार और कहीं छुपा दे। हाँ, डोंट वरी मम्मा, पापा आते ही गाड़ी की आवाज आ जाती है, और गाड़ी की आवाज आते ही मैं अपने घुंघरू छुपा दूंगी। सयानी हो गई है मेरी बेटी, मम्मी ने दिया ये आइडिया। नहीं नहीं, आप अपने कपड़े पे जाओ प्लीज, मम्मा की तबीयत, वो जीता है, आप बाहर नहीं आओगे ठीक है? मैं जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं जानती हूँ सरबजीत जी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि एक पत्नी अपने पति पे झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? मैं जी, इल्जाम तो मुझ पे भी लगा था 2000 करोड़ के स्कैम का, तो क्या वो सच था? हम एक पहलू को देखकर राय दे सकते, फैसला नहीं ले सकते। और फिर तरकश जी और आरती भाभी एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हैं, दोनों की लव मैरिज थी। तरकश जी बहुत प्यार करते हैं आरती भाभी से,
इसलिए उन्हें घर पे कैद करके रखते हैं ना आपके तत्कश जी। क्योंकि आरती भाभी को बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइज करना पसंद नहीं है। मैंने कितनी बार उन्हें पर्सनली इनवाइट किया लेकिन वो हमेशा पोलाइटली मना कर देती थी। मैं जी इंसान को मैं भी समझता हूँ और तर्कश जी को मैं जानता नहीं, अच्छी तरह से समझता हूँ। जो आदमी दूसरे इंसान को गुस्से से देखता नहीं है, उसे बोलता नहीं है, वो अपनी औरत पे हाथ क्यों उठाएगा? इम्पॉसिबल है ये बात। बोला था ना मैंने तुझे, नहीं नाचेगी मेरी बेटी। फिर क्यों पहले ऐसा घूम रहा हो? पापा प्लीज मम्मी को मत मारो। मुझे ये सब बोलने से बेटर है आप तर्कश को बुलाइए और उनसे पूछिए। पूछो क्या? पूछू मैं जी कि आप अपनी बीवी पर हाथ क्यों उठाते हैं? कमॉन मैं, मतलब आप चाहती हैं मैं बिना बुनियाद के, बिना किसी सबूत तर्कश जी को जलील कर, मेरे भाई जैसे दोस्त को जो मेरे लिए अपने सीने पर गोली तक खा सकते हैं, एंड जस्ट बिकॉज आप उन पर शक करती हैं तो मैं अपनी बरसों पुरानी दोस्ती, ईमानदारी और वफादारी को उस पर पानी फेर दूं। आपने देखा था नहर जी कैसे गुरुद्वारे में तर्कश जी हमें देखकर रो पड़े थे? नहर जी मैं सपने में भी उनके शक नहीं कर सकता। वाले सरब जी, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। हाँ नहीं समझ रहा क्योंकि आपकी बात का कोई सिर पैर नहीं। चलो मान लिया उन दोनों के बीच में कोई मन मुटा, ठीक है, लेकिन मियां बीवी के झगड़े में किसी तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आपको मेरी बातें बेबुनियाद लग रही हैं। सबूत चाहिए ना आपको? ठीक है सर, मैं लाकर दूंगी आपको। महर जी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। महर जी मेरी बात नचवाएगी से मेरी बेटी को नचवाएगी। अब गलती हो गई तो आप कर दीजिए, किससे नहीं होगा। लेकिन हुई क्यों गलती? प्लीज मम्मी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने घुंघरू पहने थे। चुप। अरे तू घुंघरू बांधेगी? तू घुंघरू बांधेगी? आपको नहीं लगता आपकी इन तीनों बहुओं को ये हार बराबर बराबर मिलना चाहिए था? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये हार तुम तीनों को बराबर 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 मिलना चाहिए। तो ऐसा कर, एक हथौड़ी ले आ, ते मैं इसके तीन टुकड़े करके ना तुम तीनों को उसका हिस्सा दे दूंगी। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी। ओ अपना दिमाग कंधे पे छोड़ के आई थी तुम? ओ ये रानी हार है, कोई नौकरानी हार नहीं कि तुम तीनों को इस्ता करके दे दो और जा पिज्जा खाते ऐश कर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ओ तू तो बड़ी शातर निकली है। इस रानी हार पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई है। ओ मैंने सोचा समझदार होगी, मेहर की जाते ही ये हार मम्मी जी को दे देगी, लेकिन ना, वो गले में पहन के चमकना है पूरे घर में। मैं तीन तक गिननी हूँ, तीन के बीच बीच मुझे ये हार देते। एक, ओ वंडरफुल जी वंडरफुल, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर ये बात मेहर के कानों तक गई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होना, फिर मैं जगह नु बता देना है। तूने मेरी चेन चोरी करके अपनी मम्मी जी को दे दी। मैंने चोरी नहीं की थी वो चेन मम्मी जी। है वो मेरी थी, आपने मुझे दी थी। हाँ वो चेन तेरे लिए थी, तेरे पेके वालों के लिए नहीं थी, इसीलिए मैं छाती ठोक के कहनी हूँ चोर है।
और रितु बेटा, अपनी मम्मी के चेहरे पर ये घुंघरू के निशान देख रही? ये निशान तुझे हर रोज ये याद दिलाएगा कि इस घर में नाचना नहीं। और तेरी मम्मी को भी ये निशान और ये दर्द तुम्हारी मम्मी को ये याद दिलाते रहेंगे कि इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, समझे? और इस नियम को तोड़ने वाला समझ में आ? कौन है? तरकशी में मेहर। भाभी, आप मुझे फोन कर दिया होता तो मैं आ जाता। वो एक्चुअली आज किल मैंशन में न्यू ईयर्स पार्टी है, तो मैं आपको और आपकी फैमिली को पर्सनली इनवाइट करना चाहता हूँ, इसलिए आप। ओके। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? पहली बार आपके घर आई हूँ, आप अंदर नहीं बुलाएंगे? हाँ, ये तो आप ही का घर है भाभी, मैं पूछ रहा क्या, आप तो आई ही सकती है। तरकशी, ये घुंघरू? अभी वो मेरी बेटी है ना रितु, वो ना दिन भर खेलती रहती है, चीजें तोड़ती रहती है, जोड़ती रहती है, तो अभी कुछ समय पहले खेल रही थी तो बस ऐसे ही। हाय रितु बेटा, आपको होमवर्क करना है ना। जाओ जाओ। क्या आपके हाथों पे खून कैसे? अभी वो अभी मैं रितु के लिए पूछ काट रहा था ना, तो चाकू फिसल गया। वो पानी मिल सकता है एक ग्लास? देखिए ना, आपसे बात करने में मैं भूल ही गया, पानी पूछ रहा। आई एम सॉरी, मैं अभी लेके आता हूँ। मम्मा कहाँ है? बाजार गई है वो सामान लाने के लिए, पानी पीछे। क्या बात है तरकशी, आप किसी जल्दी में, मतलब आधा ग्लास पानी? भाभी पानी आधा ग्लास है, लेकिन चाय पूरा कप पिलाऊंगा। अब आइए ना यहाँ कहीं बात। वो तरकशी, मुझे वॉशरूम यूज करना है। वॉशरूम आया ना, मैं भी यूज कर। हेलो, सॉरी मेहर, मुझे आपसे ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट आपके जाने के बाद मैं ठंडे दिमाग से इस बात के बारे में सोच रहा। क्या सोचा आपने? बीवी पे हाथ उठाने वाले आदमियों का एक नेचर होता है, ऐसे आदमी बहुत ही बददिमाग और अग्रेसिव होते हैं। इनफैक्ट ऐसे आदमियों को जब उन्हीं के जैसा कोई दूसरा आदमी मिलता है तो उसका पक्ष लेते। अब कहना क्या चाहते? एक बार हमारे ऑफिस की एक लड़की पर ऑफिस के एक बंदे ने हाथ उठा दिया, और जब तरकश जी को इस बारे में पता चला तो उनका खून खौल उठा, और उन्होंने मुझसे बिना पूछे उस आदमी को जॉब से और ऑफिस से दोनों से निकाल दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी तो किसी और लड़की के साथ ऐसा बर्ताव होते नहीं देख सकता, वो भला अपनी बीवी पे क्यों हाथ उठाएगा? थैंक यू। सौरभ जी, तरकश को लेकर जितना आपका यकीन मजबूत है ना, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है मेरा शक। मतलब? मैं मतलब आपको अभी नहीं समझा सकती, घर आके बात करते। अब अभी कहाँ? तरकश जी के घर पे। What? तरकश जी के घर? मैंने आपसे मना किया था ना कि दूसरों के मैटर में ऐसे इंटरफेयर नहीं करते। अगर आरती भाभी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो वो आपके पास ना आती, पुलिस के पास जाती। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत पड़ी थी आपको ऐसे जासूसी करने की? सौरभ जी,
मैंने मेरे को लगा कि कुछ भी लगा हो आपको मैसी, लेकिन आपको ऐसे बिना इन्फॉर्म किए उनके घर नहीं जाना चाहिए था। चलिए आपने उन्हें नहीं बताया, एटलीस्ट आप मुझे तो बता सकती थी ना। अगर तरकस जी को पता चला तो कैसे लगेगा उन्हें? यहाँ किसी की जान जा रही है, उसकी फिक्र नहीं है आपको? किसकी जिंदगी खत्म हो रही है महर जी? और फिर आप कौन होती है सब कुछ जज करने वाली? मैं जानती हूँ कि मैं जज नहीं, लेकिन मैं बेवकूफ भी नहीं कि सच्चाई देख और समझ ना सकूं। आपके जो जी में आए वो कीजिए, ओके? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.